हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल के अंदर लिनन रेशा को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि लिनन होता क्या है और इसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये लिनन है। यहाँ पे चित्र में आपको लिनन के पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसके पौधे कैसे होते हैं, इसमें देखिए, इसके बैगनी कलर के इसके जो है फ्लावर्स हैं और इसमें इसकी खेती भी दिख रही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लिनन आया कहाँ से है, इसका कुछ बेसिक चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम रेशों का वर्गीकरण किए थे तो रेशों को हम दो भागों में इसका वर्गीकरण किए थे। एक था प्राकृतिक और दूसरा था कृत्रिम। रेशों का वर्गीकरण दो भागों में किए थे, एक प्राकृतिक रेशा हो जाता है और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में हम तीन भागों में बांटे थे, एक वानस्पतिक, दूसरा प्राणिज और तीसरा खनिज। और फिर वनस्पतिक रेशे जो होते हैं उसको हम तीन भागों में बांटे थे, एक था बीज से प्राप्त होने वाला रेशा, दूसरा था तने से प्राप्त होने वाला रेशा, तीसरा था पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा। ठीक है, एक था बीज से प्राप्त होने वाला रेशा, दूसरा था तने से प्राप्त होने वाला रेशा, तीसरा था पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा। तो बीज से प्राप्त होने वाले रेशों में हम लोगों ने कपास को देखा था। अब जो तने से प्राप्त होने वाला रेशा है उसमें एग्जाम्पल आता है लिनन। ठीक है, तो ये लिनन जो है ये कैसा रेशा है, ये प्राकृतिक रेशा है और वानस्पतिक रेशा है और तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो लिनन कहां से आया है, तो रेशों का वर्गीकरण करके हम देख लिया कि प्राकृतिक जगत का रेशा है और वानस्पतिक जगत का है और तने से प्राप्त होने वाला है। अब हम चलते हैं लिनन के बारे में, देखते हैं कि उसका उद्भव, इतिहास, इसका विकास कैसे होता है, इसकी खेती सबको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका उद्गम एवं इतिहास। तो लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है, क्योंकि वनस्पति जगत का पहला रेशा कपास था जो हम पढ़ चुके हैं। तो यह दूसरा सबसे प्रमुख रेशा है जिससे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ और मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक है फ्लैक्स। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस पौधे से लिनन प्राप्त होता है, तो पौधे का नाम है फ्लैक्स। और दूसरा किस भाग से, मतलब फ्लैक्स के किस पार्ट से वो प्राप्त होता है, जैसे ऐसे आ गया कि बीज से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है कि पत्ती से प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि ये तने से प्राप्त होता है। तो लिनन जो है फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। और लिनन के वस्त्र जो है सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट के हम कथन देखते हैं। पोर्टर एंड कॉर्बमैन ने कहा है, और वो अपनी कौन सी पुस्तक में लिखा है या कहे हैं, फाइटर टू फैब्रिक। पोर्टर और कॉर्बमैन की एक पुस्तक है फाइटर टू फैब्रिक, उसमें उन्होंने लिखा है कि द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टेक्सटाइल फाइबर टू बी यूज बाई मैनकाइंड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सन के पौधे के तने से प्राप्त होने वाले रेशे संभवतः मानव जाति द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला कपड़े का रेशा था। ऐसा किसने कहा है, पोर्टर एंड कॉर्बमैन। कभी कभी होता है कि उनका कथन देके पूछ लेता है कि इन्होंने ऐसा कथन किसने कहा है। इसके बाद इन्होंने दूसरी बात जो कही है इसके बारे में, उन्होंने कहा लिनन हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड द फैब्रिक ऑफ लग्जरी। लग्जरी मतलब विलासिता होता है, तो लिनन को हमेशा विलासिता का ताना बाना माना गया है। क्योंकि अगर कहा जाएगा विलासिता का रेशा किसे कहते हैं, तो हम विलासिता का रेशा लिनन को कहते हैं। आगे देखते हैं, मिस्र को प्राचीन समय में लिनन की भूमि, लैंड ऑफ लिनन
की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिनन की भूमि या लैंड ऑफ लिनन किसे कहा गया है, तो मिस्र को कहा गया है। मिस्रवासी इसे शांति एवं पवित्रता का सूचक मानते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शांति और पवित्रता का सूचक कौन सा रेशा माना जाता है, तो हमारा आ जाएगा लिनन। अतः इसका प्रयोग वे अपने पूजा घर के पर्दों, चादर, वस्त्र आदि में करते थे। वहां मिस्र में लिनन के इतने सुंदर, आकर्षक, बारीक, कोमल और उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते थे जैसा आज तक कहीं नहीं बनाया जा सका है। और इसके आगे देखते हैं, मिस्र में राजाओं के शव, जिसको मम्मी बोलते हैं इंग्लिश में, को लिनन के वस्त्रों से लपेटकर सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए लिनन के वस्त्रों से उनके शव को सुरक्षित रखा कि उसमें जल्दी कीटाणु वगैरह नहीं लगते थे, वो ज्यादा सुरक्षित रहता था, इसलिए उस वस्त्र से में लपेटकर शवों को रखा जाता था। और रूस जो है लिनन उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। जैसे कपास में प्रथम स्थान पर कौन था उत्पादन में, अमेरिका था, तो वैसे लिनन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रूस है। और लेकिन अगर गुणवत्ता की बात करें तो आयरलैंड का लिनन सर्वोत्तम किस्म का है। कपास की बात करें तो कपास में जो है मिस्र का जो कपास था वो सबसे ज्यादा गुणवत्ता पूर्व था। और यहां अगर लिनन की बात करें तो सर्वोत्तम किस्म का जो है लिनन वो आयरलैंड का है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी खेती के बारे में देखते हैं, लिनन की खेती। तो लिनन के जो रेशे होते हैं ये फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। और इसका वास्तविक नाम, मतलब जो फ्लैक्स है, लिनन का पौधा है, इसका बॉटनिकल नेम जो है वो लिनन यूसिटेशियम है। क्या है? लिनम यूसिटेशियम। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी पौधे का बॉटनिकल नेम भी पूछ लेता है। तो लिनम यूसिटेशियम फ्लैक्स का बॉटनिकल नेम है। लिनन की खेती दो उद्देश्य की जाती है, जो लिनन की खेती होती है वो दो उद्देश्य की जाती है। एक होता है बीज प्राप्त करने के उद्देश्य, दूसरा होता है रेशा प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो जो बीज प्राप्त करने के उद्देश्य खेती की जाती है, तो इसमें देखते हैं कि कई देशों में व स्थानों पर लिनन की खेती केवल बीज प्राप्त करने के उद्देश्य की जाती है। इसके बीज से लिनसिड तेल, पेंट, वार्निश, पॉलिश, लिनालियम, चिकने कपड़े, कृत्रिम कपड़े आदि बनाए जाते हैं। जैसे कहां कहां पे बीज प्राप्त करने के लिए इसकी खेती होती है, जैसे कनाडा, भारत, लिथुआनिया आदि देशों में सिर्फ बीज प्राप्त करने के लिए इसकी खेती की जाती है। इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है कि रेशे प्राप्त करने के लिए, रेशे प्राप्त करने के लिए इसकी खेती कैसे होती है, तो लिनन के पौधे मुख्यतः दो किस्म के होते हैं, एक नीले फूल वाले, दूसरे सफेद फूल वाले। तो जो नीले फूल वाले होते हैं वो उत्तम कोट के और अत्यधिक सुंदर बारीक रेशे प्राप्त होते हैं। जो नीले फूल वाले लिनन होते हैं, लिनन के पौधे होते हैं, उनसे उत्तम कोटि का रेशा प्राप्त होता है। और जो सफेद फूल के किस्म के लिनन होते हैं उनसे जो रेशा प्राप्त होता है वह निम्न श्रेणी का रेशा प्राप्त होता है। वो कैसा होता है? खुरदुरा होता है, मोटा होता है, रुच परंतु मजबूत रेशा प्राप्त होता है। इसमें एक ही क्वालिटी होती है सफेद फूल वाले में कि ये रेशा मजबूत होता है। लेकिन अगर सुंदरता की बात करें और क्वालिटी की बात करें तो जो नीले फूल वाले लिनन होते हैं वो ज्यादा अच्छे किस्म के होते हैं। अब हम देखते हैं लिनन की खेती के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, क्या क्या होती है। उसमें पहला पॉइंट है जलवायु। जलवायु की बात करें तो लिनन की खेती के लिए समशीतोष्ण और नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और अगर मिट्टी की बात करें तो लिनन की खेती में मिट्टी कैसी होनी चाहिए? भुरभुरी एवं गहरी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। और पानी, इसके लिए जो पानी होता है वह साफ और मृदु पानी होना चाहिए। मृदु पानी का मतलब है कि एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। तो बहता हुआ जो मृदु जल हम सब पीते हैं या ट्यूबवेल वगैरह का, इस पानी, अगर खारा पानी से हम सिंचाई कर देते हैं लिनन की, तो रेशे फिर अच्छे क्वालिटी के हमें नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए इसका पानी कैसा होना चाहिए? साफ और मृदु जल, ताजा पानी होना चाहिए। और इसका बुआई कब होता है? तो इसके बुआई के लिए
फ्लैक्स के बीज की बुआई अच्छी प्रकार से जोते गए जमीन में अप्रैल से मई माह में किया जाता है। किस माह में? अप्रैल से मई माह में, और अगस्त में फसल पककर तैयार हो जाती है। अगस्त में फसल पककर तैयार हो जाती है और लिनन का जो पौधा होता है वह एक वर्षीय होता है। कैसा होता है? एक वर्षीय फसल है ये। जैसे हमारा कपास था वो भी एक वर्षीय फसल था, तो ये भी एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, इसके बाद पौधे की देखरेख, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखते हैं लिनन का पौधा, इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 40 इंच इसकी लंबाई होती है। लेकिन जब इसके पौधे 5 से 6 इंच लंबे हो जाते हैं तो इसकी सोहनी या निराई की जाती है, जो हाथ से की जाती है, ताकि उनके खरपतवार, जो खेतों में खरपतवार पौधे के अलावा रहते हैं, उनको बाहर किया जाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में शाखाएं ना फूटने पाए, क्योंकि शाखाएं फूटने से रेशा बेकार हो जाता है। मतलब रेशा जितना ही लंबा होगा, जैसे मान लीजिए ये रेशा है, तो रेशे के यहाँ फूल पत्तियां हैं, तो इधर इधर पत्तियां ही होती हैं रेशे के चारों ओर। अगर यहां से शाखाएं फूट गई तो हमें ज्यादा लंबा रेशा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो बार बार इस पे ज्यादा देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं, इसके बाद यहां तक तो लिलन की खेती हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि इससे वस्त्र उत्पादन कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो लिलन में जो प्रोसेसिंग होती है, वस्त्र उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जो पहला पॉइंट है फसल को उखाड़ना। फसल जब हमारी तैयार हो जाती है तो उसको हम उखाड़ लेते हैं या उसको काट लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फसल को सुखाते हैं। उसका सुखाना और सफाई करना, मतलब ड्राइंग एंड रिपलिंग होता है, तो उसको सुखाते हैं और सफाई क्या करते हैं, जैसे पत्तियां वगैरह, धूल मिट्टी, इन सबसे हम साफ कर देते हैं। और उसके बाद फिर उसको क्या होता है, रेटिंग उसकी की जाती है। रेटिंग की जाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गलाना। तो गलाना कैसे होता है? नमी या पानी का छिड़काव करके या रासायनिक तरीके से भी उसको गलाया जाता है। तो उसके ऊपर छिड़काव करके हम उसको छोड़ देते हैं। तो जब वह गल जाता है उसके बाद उसको कूटा जाता है, तोड़कर या कूटकर रेशे को अलग किया जाता है। गलने के बाद, मतलब रेटिंग के बाद जो हमारी प्रोसेस आती है, प्रक्रिया, वो है ब्रेकिंग एंड स्काउचिंग। ठीक है, मतलब उसको कूटा जाता है। और कूटने से क्या होता है, क्योंकि लिनन के जो रेशे होते हैं वो चपटे होते हैं, चपटे नहीं गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? लिनन के रेशे गोलाकार होते हैं, तो गोलाकार रेशे जो होते हैं उनकी जब कुटाई होती है तो ये रेशे कैसे हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। इसमें दो चीजें आ जाती है, एक रेशे चपटे हो जाते हैं, दूसरे इसमें चमक आ जाती है। और उसके बाद कुटाई के बाद फिर उसमें कंघी की जाती है और सफाई की जाती है। कंघी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिंग। कॉम्बिंग से क्या होता है, रेशे समांतर होते हैं और छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं। कॉम्बिंग के बाद अगली जो हमारी प्रोसेस आती है वो कताई की आती है, जिसको स्पिनिंग कहते हैं। और स्पिनिंग के द्वारा ही धागे का निर्माण होता है। कताई के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, धागे का निर्माण होता है। और धागे के बाद जो अगली हमारी प्रक्रिया आती है वो बुनाई की आती है। बुनाई यानी वीविंग, जिसमें ताना बाना, मतलब धागे का एक लंबवत जो धागा होता है उसको हम ताना बोलते हैं, और जो अनुप्रस्थ धागा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाना। तो ताने और बाने को करघे या लूम पर चढ़ाकर उसकी बुनाई होती है। बुनाई के बाद जो करघे से वस्त्र उतरता है या करघे से जो वस्त्र प्राप्त होता है उसको हम ग्रे गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे गुड्स बोलते हैं। तो ग्रे गुड्स को हम क्या करते हैं, उसको परिष्कृत करते हैं या परिसज्जा या उस पर फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग करने से उसमें चमक हो जाती है, फिर वो वस्त्र मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो इतनी प्रोसेस होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लिनन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले फसल को हम उखाड़ते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसकी रेटिंग की जाती है, मतलब गलाते हैं, फिर उसके बाद उसकी कुटाई होती है, उसको कूटकर, मतलब उसकी उसको कूटकर और उसके सतह को चपटा बनाया जाता है। उसके बाद फिर कॉम्बिंग प्रोसेस होती है। कॉम्बिंग के बाद स्पिनिंग होता है। स्पिनिंग के बाद वीविंग होती है। वीविंग के बाद सबसे अंतिम में क्या होता है, फिनिशिंग होता है। अब हमारा पूरा वस्त्र तैयार हो जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, कि लिलन की कुछ विशेषताएं, जैसे हमने कपास की विशेषताएं देखी थी तो वैसे लिलन की। तो इसकी विशेषताओं में दो विशेषताएं हो जाएंगी, एक भौतिक विशेषता, दूसरा
रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषता में क्या है कि जो इसका संगठन है, पहले पॉइंट में कि संगठन कंपोजिशन किससे बना होता है लिनन, तो सबसे पहले लिनन कैसा है, लिनन वनस्पतिक जगत का पौधा पौधा है, वनस्पति जगत का पौधा है। तो जो भी वनस्पति जगत का हमें पौधा या प्लांट मिलेगा उसमें किसकी प्रधानता होगी, सेल्यूलोज की, ठीक है, उसमें सेल्यूलोज की प्रधानता होगी। तो इसमें भी सेल्यूलोज की प्रधानता है, इसके संगठन में सेल्यूलोज कितना है, 71% सेल्यूलोज है, और पानी कितना है, 11% इसमें वाटर रहता है, और गोंद और पेक्टिन जो पाया जाता है वो 9.5% पाया जाता है, और कुछ अन्य अशुद्धियां होती हैं जो 6% होती हैं। तो इन ये जो कंपोजिशन हम देख रहे हैं ये कच्ची अवस्था में, जब हम फसल को काटने से पहले जो रेशा होता है उसमें कच्ची अवस्था में ये सब पाया जाता है, लेकिन जब रेशा परिपक्व हो जाता है, जब परिपक्व अवस्था में हम उसको काट लेते हैं तो उसके संगठन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। उसमें सेलुलोज कितना प्रतिशत हो जाता है, 66 से 70% हो जाता है, वसा 2 से 4%, और जो प्राकृतिक अशुद्धियां अन्य आ जाती है वो 26 से 30% आ जाती हैं। अब हम देखते हैं रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो रेशे की जो लेंथ होती है वो 12 से 20 इंच तक होती है, और जो इसका व्यास होता है डायमीटर वो 15 से 18 माइक्रोन होता है। और अगर प्राकृतिक रेशे में बात करें तो प्राकृतिक रेशे में ये सर्वाधिक लंबाई वाला रेशा होता है। प्राकृतिक रेशों में, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक नहीं वानस्पतिक, क्योंकि प्राकृतिक में तो रेशम भी आ जाएगा और रेशम ज्यादा इससे लंबा होता है। तो अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति वनस्पतिक रेशों में सर्वाधिक लंबा रेशा जो होता है वह लिनन का होता है, सर्वाधिक लंबा। इसके बाद अगला अगर व्यास की बात करें तो इसका 15 से 18 माइक्रोन व्यास होता है, और इसकी जो माइक्रोस्कोपिक संरचना या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अगर माइक्रोस्कोप से हम इसको देखते हैं तो कैसा दिखता है, ये सीधा बेलनाकार चमकदार दिखाई देता है, और थोड़ी थोड़ी दूर पर इस पर गांठें दिखाई देती हैं, और ये गांठें किसकी बनी होती हैं, पेक्टिन की। तो ऐसे जैसे बांस आप लोग देखेंगे, बांस की तरह ऐसे होता है पतला, तो ऐसे बीच बीच में इसमें गांठें होती हैं, और उन गांठों में क्या होता है, पेक्टिन होता है, पेक्टिन नामक गोंद होता है उन गांठों में। तो ऐसे इसको माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा ही दिखता है। इसके बाद चमक, तो इसमें चमक की बात करें तो चमक लिनन में उपस्थित पेक्टिन के कारण, जो पेक्टिन इसमें उपस्थित होता है इसी के कारण ये चमक होता है, ये कपास से ज्यादा चमक इसमें होती है। और रंग जो है इसका, यह हल्के पीले रंग से लेकर गहरे पीले रंग तक होता है, और गलाने पर इसका रंग ग्रे कलर का होता है। जब इसको हम गलाते हैं, इसकी रेटिंग करते हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। और उत्तम कोट के रेशे का रंग कैसा होता है, पीला होता है, जो उत्तम कोटि का रेशा होता है उसका रंग पीला रंग का होता है। इसके बाद मजबूती की बात करें तो लिनन रेशा कपास रेशे से ज्यादा मजबूत होता है, और गीली अवस्था में 20% इसकी मजबूती बढ़ जाती है। जैसे कपास में था कि भीगने के बाद उसकी मजबूती 30% तक बढ़ रही थी, लेकिन लिनन में इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। और तन्यता की बात करें, अगर टेंसिल की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें तन्यता का अभाव होता है, मतलब ये फैलता नहीं है, और इसी गुण के अभाव के कारण क्या होता है, जब इसकी स्पिनिंग होती है तो रेशे बार बार टूट जाते हैं, क्योंकि तन्ने का गुण रहता नहीं है, थोड़ा सा भी ज्यादा तान दिए तो ये रेशे टूट जाएंगे। तो इसमें बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। अगला अगर हम प्रत्यास्था की बात करें, इलास्टिसिटी की बात करें, तो इलास्टिसिटी का भी इसमें अभाव होता है, और सिलवटें, जिसके अभाव के कारण सिलवटें शीघ्रता से आ जाती हैं, लेकिन परिसज्जा के द्वारा सिकन प्रतिरोधी इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रतिअस्कंदता, प्रतिअस्कंदता या रेजिस्टेंसी, इसका भी अभाव इसमें होता है। इसके लिए हमें बार बार प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर किसी तरह से हम मोड़ के वस्त्र रख देते तो उसपे क्रीज ऐसे पड़ जाता है, फिर उसके बाद हमें बार बार इस्त्री करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, फिर हम उसको पहन सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिअस्कंदता का भी इसमें अभाव होता है। और अगर ताप संवाहक की बात करें, हीट कंडक्टिविटी की बात करें,
तो यह गुड कंडक्टर होता है, यह ताप का उत्तम संवाहक होता है। इसी के कारण गर्मी में इसके वस्त्र आरामदायक होते हैं। गर्मी में हम अगर लिनन के वस्त्र पहनते हैं तो वह हमें शीतलता प्रदान करते हैं। और नमी नमी की बात करें, अगर नमी अवशोषकता की, तो मॉइस्चर अब्जॉर्बेंसी जो होती है इसकी, वो 6 से 8% इसमें नमी होती है, और नमी सोखने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। और इसमें यह जल्दी से नमी सोख भी लेते हैं, जैसे पानी को जल्दी सोखते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं, तो इसलिए इनमें यह नमी अवशोषक की क्षमता अच्छी होती है। इसके बाद अगली हम पॉइंट की बात करें तो घर्षण और रगड़ का प्रभाव, तो लिनन के वस्त्र पर रगड़ने, पटकने या पीटने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। इसको चाहे जैसे हम धुल सकते हैं, क्योंकि धुलने पे क्या होता है, चाहे रगड़ के धुले, क्योंकि धुलने पर इसकी 20% तक इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। और अगर इसकी सफाई धुलाई की बात करें तो इसकी सफाई धुलाई बहुत आसान है, क्योंकि गीली अवस्था में इसकी मजबूती ऑलरेडी 20% और ज्यादा बढ़ जाती है। और दाहता और सूखे का प्रभाव, दाहता मतलब ताप का या जलाने पर, तो यह कपास से अधिक ताप पर झुलसता है। मतलब अगर कपास जो है वह जितने ताप पर जलता है उससे ज्यादा ताप की इसकी आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा गर्म प्रेस से हमें प्रेस करना पड़ता है और जल्दी नहीं झुलसता है या नहीं जलता है। और अगर इसके गंध की बात करें तो जितने भी वनस्पतिक जगत के रेशे होते हैं, चाहे कपास हो चाहे लीलन, सबको जलाने पर कागज के जलने के समान ही इसमें से गंध आती है। ठीक है, कैसी गंध आती है, कागज के जलने के समान ही गंध आती है। और धूप और प्रकाश की बात करें तो धूप प्रकाश का कोई हानिकारक प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, अत्यधिक इसमें ज्यादा ज्यादा धूप सहने की क्षमता होती है। और इससे इसीलिए पर्दे और ड्रेपरी के रूप में इसका उपयोग, जैसे जो पर्दे वगैरह खिड़कियों पर ड्रेपरी वगैरह बनाए जाते हैं वो लिनन के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा धूप सहने की क्षमता होती है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अत्यधिक हम धूप में ही छोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत इसके रेशे निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और सूक्ष्म जीवाणुओं और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें देखते हैं, तो इसकी बात करें तो कीटों का लिनन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गीली अवस्था में ही हम इसको रख देते हैं या छोड़ देते हैं तो इसमें फफूंद लग जाते हैं, फफूंद लगने से ये कमजोर हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, तो इसको हमेशा यूज करने के बाद सुखाकर धुलकर ही रखना चाहिए। और अगले पॉइंट की बात करें तो सिकन प्रतिरोधकता की बात हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रीज रेजिस्टेंस। तो इसमें हालांकि हम पीछे भी देखें कि प्रत्यास्था का अभाव होता है, प्रत्यास्था का अभाव होता है, तो प्रत्यास्था के अभाव के कारण ही इसमें सिलवटें जल्दी पड़ जाती हैं, तो इसलिए इसको इस पर परिसज्जा की जाती है। क्या की जाती है, परिसज्जा करके इसको सिकन प्रतिरोधी बनाया जाता है, परिसज्जा करके इसको सिकन प्रतिरोधी बनाया जाता है। इतनी थी हमारी भौतिक विशेषताएं, थोड़ी सी कुछ बची हैं, रासायनिक विशेषताओं को हम देख लेते हैं। रासायनिक विशेषताओं में क्या है, अम्ल का प्रभाव, तो अम्ल का प्रभाव इस पे हानिकारक पड़ता है। जैसे कपास पे अम्ल का प्रभाव हानिकारक था, तो वैसे लिनन पे भी अम्ल का प्रभाव हानिकारक, अगर सांद्र अम्ल है तो और ज्यादा हानिकारक प्रभाव, अगर थोड़ा सा तनु अम्ल है तो थोड़ा कम हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और अगर क्षार की बात करें तो कोई क्षार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्षार का लिनन के वस्त्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर सांद्र क्षार होगा, अगर सांग क्षार होगा तो यह वस्त्र को निर्बल कर देगा। कैसा, वस्त्र को निर्बल मतलब कमजोर कर देगा। और अगर रंग की बात करें तो लिनन के वस्त्र पर रंग आसानी से नहीं चढ़ते हैं, रंग चढ़ाने के लिए इसको पहले ब्लीच करना पड़ता है, उसके बाद फिर रंग चढ़ाया जाता है। और अगर ब्लीच का प्रभाव हम देखें तो अधिक सांग ब्लीच इसके लिए हानिकारक है, मतलब ज्यादा कंसेंट्रेट ब्लीच का प्रभाव, मतलब ब्लीच का अगर हम यूज करेंगे तो वस्त्र के रेशे गल जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लीच का भी प्रभाव अगर ज्यादा, मतलब सांद्र ब्लीच है तो नुकसानदायी है। और पसीने का प्रभाव, तो पसीने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन अगर किसी किसी का पसीना अम्लीय होता है, किसी किसी का पसीना क्षारीय होता है, तो अगर अम्लीय पसीना है तो वह हानिकारक होगा, अम्लीय पसीना है तो वह लिनन के वस्त्र के लिए हानिकारक होगा। इसलिए वस्त्र का उपयोग करने के बाद उसको धुलकर सुखाकर फिर उसको अच्छे से रखना चाहिए।
तो आज का हमारा इतना पॉइंट हुआ, हम लेलन को देखें, उसकी खेती कैसे होती है, उसका संगठन क्या होता है, उसकी रासायनिक और भौतिक विशेषताएं हमने देखी, और उसमें जो है और उसमें हमने प्रोसेसिंग देखी कि उसकी कैसे प्रोसेसिंग होती, कैसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो आज का हमारा लीलन का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला हम टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, वो हम रेशम को लेने वाले हैं, रेशम को पढ़ने वाले हैं। आज इतना ही।